लखीमपुर खीरी में पुलिस ने चीन के एक नागरिक को हिरासत में लिया है। चीन के नागरिक पर भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी पर दो गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिसकी जांच जारी है। पुलिस गिरफ्तार चीन के नागरिक से पूछताछ कर रही है। चीनी नागरिक को हिरासत में लिया गया था, 18 को पीसीआर मांगी गई और आज दोपहर 2:30 तक पीसीआर समाप्त हो रही थी। आज फर्दर पीसीआर मांगी गई है और वो स्वीकार की गई 24:30 तक। पूछताछ में निकला है साक्ष्य के आधार पर 121A और 121 आईपीसी धाराएं बढ़ाई गई है। दोनों धाराएं गंभीर हैं, भारत सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करना, युद्ध करना, युद्ध के शामिल होना, ये सब धाराएं दिखी जिसे उन्होंने कसकर पकड़ा हुआ था। यही नहीं, कहा जा रहा है कि बाइडेन सफर में न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर यात्रा कर रहे थे, यानी ट्रेन के सफर के दौरान बाइडेन की उंगली न्यूक्लियर बटन पर थी। हालांकि अब तक ये सिर्फ खबरें हैं, अमेरिका ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की। लेकिन बाइडेन जिन तेवरों के साथ कीव पहुंचे और जान हथेली पर लेकर कीव की सड़कों पर घूमे, उससे ये साबित हो गया कि वो पुतिन की आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने कीव पहुंचने के बाद खुलकर खुशी भी जाहिर की। Kiev has captured a part of my heart, I must say. यानी बाइडेन ने जता दिया कि वो अचानक नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ यूक्रेन पहुंचे, क्योंकि अगर उन्हें अचानक जाना होता तो वो विमान से जाते, न कि ट्रेन से। हालांकि अब उनके इस दौरे की पूरी जानकारी सामने आ चुकी है, जिसमें बताया गया कि बाइडेन ने अमेरिका से यूक्रेन तक का सफर करीब 23 घंटे में पूरा किया। उनका काफिला आधी रात को चुपके से व्हाइट हाउस से निकला। यही नहीं, बाइडेन ने यूक्रेन जाने के लिए एयरफोर्स 1 विमान का नहीं बल्कि एयरफोर्स C-32 विमान का इस्तेमाल किया, जबकि आम तौर पर एयरफोर्स C-32 का इस्तेमाल घरेलू यात्राओं के लिए किया जाता है। लेकिन अपने दौरे को सीक्रेट रखने के लिए बाइडेन ने इस विमान से उड़ान भरी और बीच में ईंधन भरवाने के लिए ये जर्मनी में रुका। लेकिन इस दौरान बाइडेन और उनके प्रतिनिधिमंडल का कोई सदस्य विमान से नीचे नहीं उतरा, जिसके बाद बाइडेन का विमान सीधा यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंचा, जहां बाइडेन ट्रेन में बैठे और 10 घंटे का सफर तय करके कीव पहुंच गए। कीव में 5 घंटे बिताने के बाद बाइडेन ने पोलैंड का रुख किया और ट्रेन से वहां के शेमसिल शहर पहुंचे, जिसके बाद वो अपने एयरफोर्स 1 विमान पर बैठकर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंच गए। यानी कि बाइडेन ने किसी को इसकी भनक तक भी नहीं लगने दी और सीक्रेट रूट से कीव पहुंचकर सभी को चौंका दिया। यही नहीं, इस दौरान बाइडेन ने कई नियम बदले, क्योंकि अमेरिका के एनएसए और दूसरे सुरक्षा अधिकारियों के अलावा उनके साथ केवल 2 पत्रकार थे, जबकि आम तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ 13 पत्रकार होते हैं। लेकिन इस दौरे पर उनके साथ केवल 2 पत्रकार रहे, वो भी खाली हाथ, क्योंकि बाइडेन नहीं चाहते थे कि कीव पहुंचने से पहले किसी को भी पता चले कि वो जंग के दौरान यूक्रेन में कदम रखने वाले हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने इस बारे में रूस को बता दिया था और ऐसा 2 परमाणु शक्तियों के बीच संघर्ष न होने देने के लिए किया गया। अमेरिकी एनएसए का बयान उन अटकलों को हवा देता है कि ट्रेन में बाइडेन के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस था। यानी अमेरिका की माने तो बाइडेन पुतिन की जानकारी में कीव गए थे, जिसके बाद पुतिन ने बाइडेन पर नजर रखने के लिए अपना MiG-31 बेलारूस से कीव के आसमान पर उड़ा दिया था। लेकिन रूस ने साफ कर दिया कि उसे बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यानी 24 फरवरी से कुछ दिन पहले यूक्रेन पहुंचकर बाइडेन ने अमेरिका और रूस के झगड़े को हवा दे दी है, क्योंकि जंग के दौरान पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन पहुंचे, वो भी ऐसे समय पर जब युद्ध का 1 साल पूरा होने को है।